नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर दिनांक 19/7/2024 को बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री राजीव मिश्रा की गौरवमय उपस्थिति में किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन उन्नाव जिले में संपन्न हुआ। किसान दिवस कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री गौरंग राठी, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश मीना, फील्ड महाप्रबंधक लखनऊ श्री अमरेंद्र कुमार, आंचलिक प्रबंधक कानपुर श्री रणवीर सिंह ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को कृषि ऋण एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनको रोजगार उन्मुख अवसर प्रदान करना है। उन्नाव के किसान दिवस में कार्यकारी निदेशक श्री राजीव मिश्रा व जिलाधिकारी ने बीओआई के लाभार्थी किसान एवं स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर कुल ₹22.86 करोड़ रुपए के ऋण मंजूरी पत्र प्रदान किए, जिसमें 286 आवेदन क्रमशः राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत कृषि वाहन ऋण, फूड एग्रो, मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशु पालन, हार्वेस्टर, केसीसी, पीएमएफएमई और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत प्रदत्त ऋण खाते शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंडिया प्रति वर्ष जुलाई माह को किसान माह के रूप में मनाता है एवं बैंक द्वारा समाज के समस्त वर्गों के साथ साथ गरीब तक के, वंचित, दलित महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न उत्पादों की जानकारी प्रदान करने हेतु कई स्टॉल भी लगाए गए। स्टॉल पर किसानों को बैंक की कृषि से संबंधित सभी ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की एवं आम जनमानस को बैंक की योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने पर जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से ऋण प्रदान करने की प्रशंसा की एवं जनपद उन्नाव में ऐसे पात्र सभी समूहों को क्रेडिट लिंकेज से जोड़कर रोजगार प्रदान करने हेतु बल दिया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को ऋण देने हेतु कटिबद्ध है एवं सभी को बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं से संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री राजीव मिश्रा ने कृषि विकास की गति एवं दिशा में तीव्रता तथा सघनता लाने की नितांत जरूरत पर बल दिया और कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी का युग है, अतः बैंक चाहता है कि किसानों को भी तकनीकी का लाभ मिले, उनका कृषि उत्पादन बढ़े, किसानों की फसल को बाजार तक ले जाने की व्यवस्था हो सके। उसके लिए बैंक कृषि वाहन ऋण, ट्रैक्टर ऋण इत्यादि ऋण प्रदान कर रहा है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का अधिकाधिक लाभ मिल सके। बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉल पर जरूरतमंद किसानों को कृषि संबंधित बैंक की योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ जरूरतमंद किसानों को त्वरित ऋण संबंधी प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए। बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक प्रबंधक रणवीर सिंह ने कहा कि किसानों से बैंक ऑफ इंडिया का हमेशा से ही मधुर संबंध रहा है। इसी ग्राहक संबंध को और प्रगाढ़ बनाने हेतु बैंक में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इस आउटरीच कार्यक्रम का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिला है। किसानों को कृषि योजनाओं के साथ साथ अन्य आकर्षक योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। इस कार्यक्रम में बैंक द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न सरकारी जमा एवं सामाजिक सुरक्षा योजना की भी जानकारी दी गई है और नए बैंक खाते खोले गए हैं। आज के इस कार्यक्रम में 500 छायादार एवं फलदार पौधों का वितरण श्री राजीव मिश्रा कार्यकारी निदेशक द्वारा कार्यक्रम में सभी किसानों को किया गया। कार्यक्रम के समापन पर अग्रणी जिला प्रबंधक सुनील वर्मा ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी, उप निर्देशक कृषि उपयुक्त स्वतः रोजगार, जिला कृषि अधिकारी राइजुल हसन, अशोक कुमार, एसवीके इंचार्ज श्री अनूप गुप्ता, आंचलिक कृषि विभाग से श्री राम मोहन, विपणन मुख्य प्रबंधक श्री पंकज सिंह, विपणन प्रबंधक श्री हिमांशु तथा अग्रणी जिला कार्यालय से श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा उपस्थित रहे। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।